हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खाना घर घर का। आज की रेसिपी है ब्रेड रस मलाई। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही टेस्टी, सस्ती, बहुत ही जल्दी बनने वाली ब्रेड रस मलाई बनाना बता रहे हैं। घर पर ही बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो आइए चलते हैं ब्रेड रस मलाई बनाने। ब्रेड रस मलाई बनाना बता रहे हैं। तो एक हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने 1.5 लीटर हमने इसमें दूध डाला है और इसको हमने गैस पर चढ़ा दिया है। हमको इतना दूध इसको गाढ़ा करना है, जैसे हमने 1.5 लीटर लिया है तो इतना पकाना है कि ये 1 लीटर रह जाए। जैसे रस मलाई का जो रस होता है ना, बस पतला पतला उतना ही रेडी करना है। तो अब ये जब तक हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हम आपको बताते हैं इसमें हम क्या-क्या सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जो हमारा मेन है वो है हमारी ब्रेड। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ली है। ब्रेड आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास ये थोड़ी छोटी हमको मिल पाई थी ब्रेड की पैकेट, तो ये थोड़ा सा छोटी साइज़ है। इससे भी बढ़िया से हम आपको बना के बताएंगे। हम इसमें आपको जो ब्रेड रस मलाई है वो हम 3 तरह की बनाना बताएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आप पूरी वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ हमने कुछ ब्रेड लिए, आप कम ज़्यादा भी ब्रेड कर लें अपने हिसाब से। और यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिया है, पिस्ता लिया है, बादाम लिया है। यहाँ बादाम और पिस्ता, काजू की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा खोया भी है यूज करेंगे। ये हमने घर में खोया बनाया था, तो ये थोड़ा सा खोया हम इसमें यूज करेंगे। ये है हमारी चीनी। जो रस मलाई है वो ज़्यादा मीठी नहीं होती है, कम मीठी होती है, तो उसी हिसाब से हमने इसमें आधी कटोरी चीनी ली है। आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर आधी कटोरी ही ली है। तो यहाँ पर आधी कटोरी हम चीनी लेंगे। ये हमने इलायची लिया है, इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर का क्या किया, इलायची हमने छील ली थी, छीलने के बाद मिक्सी में पीस लिया, तो बढ़िया हमारी शुद्ध इलायची पाउडर रेडी हो गया है। तो यहाँ 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। और ये हमने थोड़ी सी, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, और ये थोड़ा हमने केसर लिया हुआ है। अब जैसे मान लो आपके पास केसर नहीं है, तो आप केवल हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी जब आपका दूध उबलने लगेगा तब आप हल्दी डाल देंगे, तो जो हल्दी का टेस्ट जो आता है ना वो नहीं आएगा। अगर जब आपका दूध उबलने लगेगा उस समय अगर आप डालेंगे तो उसमें हल्दी का टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो हमने यहाँ पर हल्दी और केसर दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। दूध जो है वो उबलने लगा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने चीनी ली थी आधी कटोरी, ये आधी कटोरी हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी के बाद हम इसमें जो हल्दी ली थी वो हल्दी भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। ये देखिए अभी से जो है हमारा कलर जो है रस मलाई का वो कितना अच्छा सा दिखने लगा है। आप क्या करेंगे, जो हमारे ये केसर थे केसर को भी हम डाल देंगे इसी में, जिससे इसका भी कलर जो है वो अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें डाल दी है। अब इसको हम 1.5 लीटर दूध था तो इसको इतना पका लेंगे कि ये 1 लीटर रह जाए। तो जब तक हमारा ये दूध पक रहा है, तब तक हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हम उनको कट करते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने 3 यूज किए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इनको हमने कट कर लिया है। अब इनको हम दूध में डालते हैं। ये दूध देखिए हमारा 1.5 लीटर से 1 लीटर अब हो गया है। ये देखिए इतना हमारा, देखिए ऐसा इतना पतला हमारा दूध रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये इलायची थी, इलायची पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इलायची पाउडर से जो स्वाद है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे, ड्राई फ्रूट्स, अब ये भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा हम इसमें
बादाम है वो हम बादाम भी इसमें डाल देंगे, और ये जो हमारा ये ड्राई फ्रूट्स है पिस्ता, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अब इतना हमने ड्राई फ्रूट जो है वो हमने डाल दिया है, डालने के बाद हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। तो ये जो दूध है हमारा रसमलाई का वो रेडी हो गया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में इसको हम पहले ठंडा करेंगे, इसके बाद हम फ्रिज में इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। ये जो रस मलाई का जो जूस है वो देखिए अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया हम बताते हैं आपको। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ये ब्रेड जो ली थी इनको हम एक जो नुकीला ग्लास है ऐसा नुकीला ग्लास लीजिएगा आप, और इसको एक एक करके कट कर लीजिएगा। जैसे हमने मान लो एक ब्रेड ली, आप एक ब्रेड या दो ब्रेड लगा के जैसा आपका मन हो, तो आप इसको इस हिसाब से ये देखिए ऐसे ये ब्रेड जो है हमारी अच्छे से रेडी हो गई। आपके पास छोटा गिलास हो तो छोटी छोटी बन जाएंगी, बड़ा है तो बड़ी बड़ी बनेंगी। तो इस तरह से हम दो रख के या तीन रख के जैसे हमारा हो पाए वैसा हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी ब्रेड को कट कर लेते हैं। कट करते समय हमारी ये जो ब्राउन हिस्सा है जो इनको आप धीरे धीरे करके चाकू से आहिस्ता आहिस्ता करके आप ऐसे करके हटाई तो बढ़िया हमारी साफ साफ ये तैयार हो जाती हैं। ये फेंकना नहीं है, आप ऐसा करिएगा इससे ना इनको थोड़ा क्रैश करके छोटा छोटा बूरा बनाकर आप इससे पकौड़े भी बना सकते हैं। हम आगे आने वाली रेसिपीज़ में हम इनके पकौड़े भी आपको बनाना बताएंगे। ब्रेड जो हैं वो हमारी कट के रेडी हो गई हैं। तो बस आइए हम तीन तरह का आपको बढ़िया सा टेस्ट डिज़ाइन हम आपको बना के बताते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली हम विधि आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम एक प्लेट या कटोरा जो आपको मन हो वो लीजिएगा आप। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो के हिसाब से हम आपको बनाना बता रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो ब्रेड लेंगे, और ये जो हमारा जो दूध हमने तैयार किया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। पूरी इसमें डब हो जानी चाहिए, ये देखिए पूरी ढक जानी चाहिए। ये देखिए हमारी जो है पूरी ढक गई है अच्छे से। अभी ये थोड़ा सा एक दो मिनट रुकिए, अभी ये फूलेंगी। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसमें थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके डाल देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी से हमारी ये जो रस मलाई है वो रेडी हो गई है बहुत ही सिंपल विधि से। तो आइए चलते हैं दूसरी तरह की रस मलाई बनाने। अब जो दूसरा तरीका हम बना रहे हैं तो वो है, हम इसमें दो ब्रेड लेंगे, और ये जो हमने खोया लिया था इसको खोया को हमने बहुत अच्छा सा चूरा बना दिया पतला पतला सा। तो ये हम इसमें थोड़ा सा रख देंगे, ये थोड़ा सा हम इसमें चूरा रख देंगे। आप चाहें तो केवल खोया खोया रख सकते हैं, चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स केवल रख सकते हैं। हमने यहाँ खोया और ड्राई फ्रूट्स दोनों लगाकर हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हम रख देंगे, और इसको अब हम क्या करेंगे, ये हम इसको ढक देंगे ऐसे करके ढक देंगे। और हम इसको अब बंद कैसे करें, तो ये जो हमारा दूध है हम नॉर्मल इसमें दूध यूज करेंगे, तो ये जो दूध है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इसमें लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे हमको इसको बंद करने में आसानी हो। ये देखिए हमने इसको ऐसे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी थोड़ा सा मोटी ब्रेड है तो हमको थोड़ा सा दूध ज़्यादा साइड साइड में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे, और इसको हम कर देंगे बंद। इसको हमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसको हम अच्छे से दबा देंगे। ये जो है हम इसको चम्मच से या किसी चीज़ से हम ऐसे करके हम अच्छे से इसको
दबा देते हैं, जिससे हमारा जो खोया है ये हमारा बाहर निकल कर नहीं आएगा। इस तरह से अगर आपको लगता है थोड़ा सा दूध कम पड़ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा और इसमें हम लगा देंगे और इसको अच्छे से हम इसको दबा देंगे। हम प्लेट लेंगे, प्लेट में हम ये जो हमारा दूध हमने रेडी किया था ये इसको हम इसमें खूब अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारी जो ब्रेड है जी, अभी इसका जो जूस है वो इसमें बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो है हमारी दूसरी तरह की हमने आपको रसमलाई हमने बताई, हमने आपको दो फ्लेवर बता दिए हैं, तीसरा हम आपको एक और बताते हैं। तो ये देखिए हमारे दूसरी तरह की जो रसमलाई है वो भी रेडी हो गई। ये जो अपना जूस है देखिए अभी थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर अंदर बढ़िया सी सॉफ्ट सी रेडी हो जाएगी। अब हम तीसरी तरह की बता रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, हाथ से हम थोड़ा सा दबा देते हैं इस तरह से, ये हम हाथ से दबा देंगे। दबाने के बाद हम क्या करेंगे, या तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं या तो ड्राई फ्रूट्स उधर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लिया और इसको हम तीनों तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए और ऐसे ऐसे करके हम ये इसको दबा देंगे। आप चाहें तो खोया भी इसमें डाल लें तो एक नया फ्लेवर आ जाएगा, और चाहें तो आप बिल्कुल तीनों को मिला के आप ऐसे करके दबा लें। ये इस तरह से अब आप इसको दबा लीजिए, इसे पानी की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। और ये देखिए हमारी जो तीसरी तरह की है वो हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसको भी हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम इसमें रस से भर देंगे। बस 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी अच्छी सी ये जो ब्रेड है ये फूल जाती है। बस ध्यान रखिएगा ब्रेड अच्छे से आपके जो जूस में है, इसका जो दूध है उसमें डल जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो तीसरा फ्लेवर है, डिजाइन है, वो हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। तो ये हमारा तीसरी डिजाइन तैयार हो गई है। अब ये जो रसमलाई है वो हमारी रेडी हो गई। इसको हम कट करके दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से और बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई है। तो हमारे खाना घर घर का चैनल भी है और हमारा पेज भी है, तो आप दोनों को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।